Hello students, good morning to all. I hope that you all are safe at your homes and taking all kinds of precautions and fighting against the pandemic COVID-19. In the last class, we discussed about the use of models. Today, we will complete the topic models for 10th class. This video is also for the both the mediums. That's why I will use both Hindi and English communication for the comforts of the students. Okay, let's start. Today we are going to discuss use of could. All the students will make a note in the notebook. Could is the past form of can. Can is the present form and could is the past form. Clear? And both are used for ability, capacity, power, strength, etc. ओके, सभी स्टूडेंट सबसे अपने माइंड में एक बात को ध्यान रखेंगे कि अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट कैपेसिटी, प्रेजेंट पावर और स्ट्रेंथ, we will use can. If we are talking about past ability, past capacity, past power, past strength, we will use could there. Now, अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगी ये पास्ट है या प्रेजेंट है. द सेंटेंस विल गिव यू एन इंडिकेशन. आपको वो जो सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम में गिवन होगा, दैट विल गिव यू एन इंडिकेशन. वो आपको एक इंडिकेशन देगा, एक क्ल्यू देगा, एक संकेत देगा कि वो प्रेजेंट से रिलेटेड है या पास्ट से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, इज एम आर रिलेट्स टू प्रेजेंट एंड वॉज वर रिलेट्स टू पास्ट. क्लियर? जस्ट लाइक दैट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जनरली relates to present and second form of the verb generally relates to the past. This question was asked in the board exam. Board mein ek question ask kiya gaya tha. He ran as fast. He ran as fast as he then blank. आप सभी को इसमें जो करेक्ट मॉडल वो फिलअप करना था. तो लुक एट द सेंटेंस रैन. वी विल आइडेंटिफाई द वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एबिलिटी. क्योंकि रनिंग क्या है? एबिलिटी है. तो डेफिनेटली जो करेक्ट मॉडल होगा दैट इज कुड. क्लियर? Can and could are same. There is only one difference of tense. Present, for present we use can and for past we use could. And both are used for ability, capacity, power and strength. Okay. For example, I could run very fast in my college days. It means I am talking about my past. And I can run very fast at present. I am talking about present time. Clear? This is the use of could. The second use of could, मैं आपको वैसे ही oral way में उसको बता रहा हूँ. Could is also used for polite request. For example, could you please help me? लेकिन would or could. In the last class we discussed about the would. Would is used for polite request. But could is also can be used for polite request. But would is better than could. अगर आपको वुड और कुड में से एक भरना है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो वुड इज बेटर देन कुड. क्लियर? दिस इज द यूज ऑफ कुड. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. स्पेशली हम कहेंगे उसको कि वो मॉडल तो नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस ऑलरेडी आस्क इन द बोर्ड एग्जाम. बोर्ड में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका नॉलेज भी आपके दिमाग में रहे. यूज ऑफ
हैज टू हैव टू सेवरल टाइम्स रोजाना आप दिन में कई बार बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना पड़ता है। ओके, वो करना है या करना पड़ता है वो यूज ऑफ हैज टू और हैव टू है। ये स्पेशली आपको दिखाता है नेसेसिटी, जिस वर्क को करने की नेसेसिटी है, कंपल्शन जिस काम को करने की मजबूरी है, ऑब्लिगेशन जिस काम को करने की बाध्यता है। ओके, वहां हम प्रेजेंट के लिए हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। तो मॉडल्स के टॉपिक में आपके लिए हैज टू हैव टू भी रखा गया है, इसलिए ऑल द स्टूडेंट शुड हैव द नॉलेज ऑफ हैज टू हैव टू, स्पेशली जब हम बोलते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता है, यानी आपको उस काम करने की इच्छा नहीं है लेकिन वो आपको काम करना है या करना पड़ता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग टू यू, आई एम ओनली क्लर्क इन दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में ओनली क्लर्क हूं, आई हैव टू टाइप ऑल द लेटर्स, मुझे सारे लेटर्स टाइप करने पड़ते हैं। क्लियर? तो ये किसको दिखा रहा है, उसके कंपल्शन को, उसके ऑब्लिगेशन को, उसकी बाध्यता को या उसकी मजबूरी को दिखा रहा है। और आप एक चीज अपने दिमाग में और रखें, अगर बोर्ड में हैज टू हैव टू ऑप्शन में दिया हुआ है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई सेंटेंस नीचे होता है, तो जब आप उसको सॉल्व करें तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, हैज टू हैव टू का जो पास्ट फॉर्म है दैट इज हैड टू। ओके, जैसे मैं कहूंगी कल मुझे अचानक दिल्ली जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे सडनली, या सडनली आई हैड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे। क्लियर? तो वो किसकी बात कर रहा है, पास्ट मजबूरी की, पास्ट ऑब्लिगेशन की। लेकिन आपको स्पेशली हैज टू हैव टू को ही ध्यान रखना है। और हैज टू हैव टू फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस से रिलेटेड था, वैसे ये भी आ सकता है, जैसे माई ट्रेन इज एट 5 AM टुमारो, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना है, या आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सभी सुबह जल्दी उठना है, वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गया एक तरह से। क्लियर? तो आज हमने टुडे वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट टॉपिक ऑफ मॉडल्स। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज ऑफ मॉडल्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स विल मेक देयर एफर्ट्स टू सॉल्व दैट्स ऑल फॉर टुडे।